नमस्कार आप सभी को। हमारे बीच में उपस्थित चुनाव प्रबंधन समिति के आइए कौन साहब आप पर प्लीज। चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन और राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय नारायण पंचारिया जी, हमारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री, जयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय सांसद और जोटवाड़ा के लोकप्रिय उम्मीदवार, या एक चलिए मैं चल ना यहाँ लियो इधर लियो थोड़ा थोड़ा उधर कर ले, अरे उधर, अरे इधर आइए, थोड़ी थोड़ी उधर ले लो, थोड़ी थोड़ी उधर, अरे आगे आइए। और जोटवाड़ा के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय राज्यवर्धन सिंह जी, माननीय लक्ष्मीकांत जी, माननीय प्रमोद जी, सभी मीडिया के हमारे सभी मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में और भी अनेक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक अनेक क्षेत्रों में काम करने वाली हस्तियां आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए, और जहां थे वहां इसलिए छोड़ा कि जो नारी की सुरक्षा नहीं कर सके, और दोसा की घटना ने तो पूरे राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया, जहां रक्षक ही भक्षक बने बैठे हों, मीरा पन्ना, पद्मावती, कालीबाई, हाड़ी रानी जैसे गौरवशाली इतिहास वाला राजस्थान, वहां रोज बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अनाचार, अत्याचार, दुराचार होता हो, जहां रोज कई भ्रष्टाचार के कारनामे आते हों, जहां किसानों की आंखों में खून के आंसू हो, जहां युवाओं के साथ छलावा हो, वो सब छोड़कर विश्वास सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों में हाड़ौती ही नहीं, पूरे राजस्थान में एक बेरवा समाज ही नहीं बल्कि दलित समाज और राजनीति का एक बड़ा चेहरा, जो दो बार विधायक रहे, सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महासचिव रहे, माननीय रामगोपाल बेरवा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें, जिन्होंने बहुत लंबे समय से उस हाड़ौती और क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश में लंबे समय तक जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है। ऐसे रामगोपाल बेरवा जी के मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पूर्व में चाकसू से विधायक रहे श्री अशोक तंवर जी का, जो वहाँ उस क्षेत्र के बड़े लोकप्रिय नेता हैं, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सुश्री छवि राजावत जी, जो जिन्होंने पूरे देश दुनिया में जिनकी बड़ी ख्याति है और सरपंच के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ना सिर्फ सरपंच बल्कि इन्होंने ग्रामीण विकास से लेकर, महिला सुरक्षा से लेकर, युवाओं के क्षेत्र से लेकर अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम कमाया है, ऐसी बहन सुश्री छवि रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं, मैं आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री पंकज मेहता जी, जो हाड़ौती और कोटा के बड़े ख्यातनाम नेता हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, पूर्व में पार्टी के प्रदेश के महासचिव रहे, कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता रहे और कोटा कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, आज वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं पार्टी परिवार की ओर से आदरणीय पंकज मेहता जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री ब्रजराज कृष्ण उपाध्याय जी, जो छात्र राजनीति से लेकर भीलवाड़ा और भीलवाड़ा जिले में बहुत बड़ा नाम है,
आप अभा अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं ब्रजराज जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। केपी बना कृष्णपाल सिंह जी चुंडावत, इनके पिताजी दो बार भदेसर पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं, ये NSUI के प्रदेश के महासचिव और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा और छात्र राजनीति से लेकर जिला परिषद का चुनाव भी इन्होंने लड़ा, अनेक दायित्वों का निर्वहन किया इन्होंने। आज ये भी कांग्रेस पार्टी, इन्होंने कहा कि जिस पार्टी में युवाओं के साथ धोखा हो उस पार्टी में मैं रह नहीं सकता। आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं कृष्णपाल सिंह जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री बजरंग पालीवाल जी, ये पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, सरपंच रहे हैं और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के बाड़मेर जिले के अध्यक्ष भी हैं। आज ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री बजरंग पालीवाल जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्री बाबूलाल लामा जी बालोत्रा से जिला परिषद के सदस्य रहे, ये मार्केटिंग सोसाइटी बालोत्रा के डायरेक्टर रहे हैं और पूर्व में जिलाध्यक्ष राजस्थान मेघवाल परिषद के रहे हैं। बाबूलाल जी का बहुत बहुत स्वागत भारतीय जनता पार्टी परिवार में। श्री चंद्र सिंह जी चारण पाल्लू, ये जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बाड़मेर के हैं, ये भी आज कांग्रेस कमेटी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री राजू अग्रवाल जी जो पार्षद है वार्ड नंबर 24 के, इनकी पूरी टीम के साथ राजू अग्रवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री महादेव शर्मा जी पूर्व में पार्षद रहे हैं और चेयरमैन नगर निगम के रहे हैं। श्री महादेव शर्मा जी का भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिव्यांग अधिकार महासंघ, जो दिव्यांगों के लिए हमेशा से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए सुगम्य भारत से लेकर रेलवे और अनेक सरकारी नौकरियों में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं दिव्यांग भाइयों के लिए, उनसे प्रभावित होकर श्री हेमंत भाई गोयल आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री कविता शर्मा जी जो विधायक की प्रत्याशी और वार्ड अध्यक्ष रही हैं, कविता जी का मैं स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ पार्टी परिवार में। राम जानकी देवी जी जो वार्ड नंबर 46 की पार्षद हैं, सुनील नागोरा जी हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वैशाली के, इन सभी भाइयों और बहनों का, इनके साथ अनेक इनके 80 समर्थक जो अनेक दायित्वों पर आज हैं, लेकिन वो सारे दायित्व छोड़कर आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमल का दामन थामने के लिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए। सीमा कंवर जी जो प्रत्याशी रही हैं वार्ड 43 की, मधुसूदन शर्मा जी जो पार्षद प्रत्याशी रहे हैं और वैशाली के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, सुरेंद्र शर्मा जी जो निवारू के सरपंच हैं, ये भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे कवि शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, राजेश जी जैन, नवीन मित्तल जी, राकेश जोशी जी, अनिता राठौड़ जी, सुनील नागोरी जी, योगेश बंसल जी, अनुराग पालीवाल जी, विकास भार्गव जी, रमेश जैन जी, राकेश अग्रवाल जी, पंकज वर्मा जी, अजय पारिक जी, दिनेश अग्रवाल जी, विकास अग्रवाल जी, लक्ष्मी नारायण जी, ललित शर्मा जी, सुनील गोयल जी, सीमा कंवर जी, मधुसूदन शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, बजरंग सिंह जी, अमरचंद लेखरा जी, श्री अनिल शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, तरुण कुमावत जी, राम निवास प्रजापति जी, नंदकिशोर कुमावत जी, पेमाराम कुमावत जी, कैलाश कुमावत जी, कविता देवल जी, शुभकरण देवल जी, डॉक्टर संपत सिंह जी, रणवीर सिंह जी, योगेंद्र परसोया जी, शैलेश कुमार जी, जितेंद्र सिंह जी, रामेश्वर यादव जी, लाला राम जी, श्रवण यादव जी, शंकरलाल यादव जी, जीवन राम यादव जी, रामकरण गुजर जी, मोरू राम गुजर जी, गोपाल गुजर जी, बद्रीनारायण जी, हनुमान जी, बंशी जी, डालू राम जी, बागचंद जी, दोलू राम जी, बद्रीनारायण जी, लाला राम जी, सो नारायण जी, ईश्वर सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, हेमंत सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, हनुमान सिंह जी, दीपेंद्र सिंह जी, दिलीप सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, रमेश जी, मुकेश जी, रामचरण जी,
पूरण जी, हेमराज जी, जितेंद्र सिंह जी, एक बार इन सब के लिए जोरदार ताली बजाकर भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है मुझे लगता है राज्यवर्धन सिंह जी जोटवाड़ा को कांग्रेस मुक्त करके ही रहेंगे। आप सबका भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में और कमल के फूल पर और देश सहित दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास कर आज आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप सबका, किशन चौधरी जी भी हैं बालोतरा से, सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं अब आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं उन सभी नेतागणों को पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री रामगोपाल बैरवा जी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, दो बार के विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सहित अनेक पदों पर रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य बन रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को। श्री अशोक तंवर जी, आप पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी में बहुत वर्षों से आप जुड़े हैं, बहुत पदों पर आप रहे हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष जी, पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर आपका स्वागत करें। सुश्री छवि राजावत जी, एक बहुत बड़ा नाम महिला सशक्तिकरण का, जिन्होंने अपने कार्यों से अपने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, ऐसे सोडा की पूर्व सरपंच, टोंक जिले की रहने वाली हमारी सुश्री राजावत जी, छवि राजावत जी, आपका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में दुपट्टा उड़ाकर आदरणीय अध्यक्ष जी शामिल करवा रहे हैं। श्री पंकज मेहता जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, पूर्व प्रदेश महासचिव, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक कोटा जिले के जिला अध्यक्ष रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री ब्रजराज कृष्ण उपाध्याय जी, आप अभाव अभियोग प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, सरपंच रहे हैं और कांग्रेस में विभिन्न पदों पर आप रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री कृष्णपाल सिंह चुंडावत जी, आपके पिताजी दो बार प्रधान रहे हैं, NSUI से लेकर कांग्रेस के कई पदों पर आप रहे हैं, आपने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जिला परिषद के भी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के आप रहे हैं, आपका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री बजरंग पालीवाल जी, पूर्व जिला परिषद के सदस्य, सरपंच रहे हैं, जिला महामंत्री, राजस्थान ब्राह्मण महासभा बाड़मेर, आपका भी अभिनंदन स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष जी दुपट्टा पहनाकर आपको पार्टी में शामिल करा रहे हैं। श्री बाबूलाल नामा बालोतरा के पूर्व जिला परिषद सदस्य रहे हैं, बाड़मेर के आप डायरेक्टर रहे हैं, मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड बालोतरा के, और पूर्व जिलाध्यक्ष है राजस्थान मेघवाल परिषद बाड़मेर के, आपका भी बड़ा स्वागत है। श्री चंद्र सिंह चारण पाल्लू, जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी बाड़मेर के, आपका भी दुपट्टा उड़ाकर आदरणीय अध्यक्ष जी स्वागत कर रहे हैं। श्री राजू अग्रवाल, आप पार्षद हैं वार्ड नंबर 64 के, आपको भी दुपट्टा उड़ाकर पार्टी परिवार में आदरणीय अध्यक्ष जी शामिल करवा रहे हैं। श्री महादेव शर्मा जी, आप भी पूर्व पार्षद हैं वार्ड नंबर 15 के और पूर्व चेयरमैन हैं नगर निगम जयपुर के। कविता शर्मा जी, वार्ड अध्यक्ष हैं, विधायक के प्रत्याशी रही हैं आप। राम जानकी देवी जी के पार्षद प्रतिनिधि, पार्षद रहे हैं ये भी वार्ड 46 के हैं, अभी भी हैं जी। श्री सुनील नागोरा जी, ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं वैशाली नगर कांग्रेस कमेटी के, आप भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। दीपक शर्मा जी पार्षद हैं, आप भी सिविल लाइन से भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं।
श्री भगवत सिंह जी देवल, आप भी पूर्व चेयरमैन हैं नगर निगम के, आप भी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री किशन चौधरी जी बालोतरा से, आप भी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। अब मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं वो इधर से आएंगे, आदरणीय अध्यक्ष जी उनको दुपट्टा उड़ाएंगे और उधर से आप लोग नीचे उतरेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कवि शर्मा वार्ड नंबर 64, श्री सुरेश शर्मा संगठन मंत्री वार्ड नंबर 64, राजेश जैन उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष वार्ड 64, नवीन मित्तल जी, राकेश जोशी जी, अनिता राठौड़ जी, सुनील नागौरी जी, योगेश बंशल जी, अनुराधा पालीवाल जी, सॉरी अनुराग पालीवाल जी, विकास भार्गव जी, रमेश चंद जैन जी, राकेश अग्रवाल जी, पंकज वर्मा जी, अजय पारिक जी, दिनेश अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं अग्रवाल समाज निर्माण नगर के, विकास अग्रवाल जी आप भी सेक्रेटरी हैं अग्रवाल समाज शिक्षा समिति निर्माण नगर के। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी संरक्षक ब्राह्मण समाज निर्माण नगर के, ललित शर्मा जी, डॉक्टर सुनील गोयल जी, सीमा कंवर जी आप भी पार्षद प्रत्याशी रही हैं कांग्रेस पार्टी की, श्री मधुसूदन शर्मा जी आप भी पार्षद प्रत्याशी रहे हैं वैशाली नगर के, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, श्री दीपक शर्मा जी पार्षद प्रत्याशी सिविल लाइन्स, श्री बजरंग सिंह शेखावत उपाध्यक्ष वार्ड नंबर 44, अमरचंद लखेरा जी पार्षद प्रत्याशी रहे हैं वार्ड नंबर 63 के, श्री डॉक्टर अनिल शर्मा जी अंबे अस्पताल निवाड़ू रोड झोटवाड़ा के आप, श्री नरेंद्र शर्मा जी अड़िसला एसपी रिटायर्ड हैं आप झोटवाड़ा से ही हैं आप भी पधारें, श्री तरुण कुमावत जी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, श्री रामनिवास प्रजापति जी, श्री नंदकिशोर कुमावत जी, श्री पेमाराम कुमावत जी, श्री कैलाश कुमावत जी, कविता देवल जी, श्री शुभकरण देवल जी, डॉक्टर संपत सिंह राजावत जी, श्री रणवीर सिंह राजावत जी, चंद्रमोहन चौधरी जी, योगेश परसोया जी, शैलेंद्र कुमार जयमन जी, जितेंद्र सिंह भाटी जी सरपंच रहे आप भी बेगस के, श्री रामेश्वर यादव जी, श्री लालाराम यादव जी, श्रवण यादव जी, श्री शंकर यादव जी, श्री जीवराम यादव जी, श्री रामकरण गुर्जर जी, श्री मोरूराम गुर्जर जी, श्री गोपाल गुर्जर जी, श्री बद्रीनारायण गुर्जर जी, श्री हनुमान गुर्जर जी, श्री बंशी यादव जी, श्री डालूराम कुमावत जी, श्री भागचंद कुमावत जी, श्री दोलूराम कुमावत जी, श्री बद्रीनारायण कुमावत जी, श्री लालचंद लालाराम कुमावत जी, श्री सोना नारायण कुमावत जी, श्री राजेंद्र त्यागी जी एडिशनल एसपी हैं आप रिटायर, श्री ईश्वर सिंह भाटी जी, श्री देवी सिंह भाटी जी, सॉरी देवेंद्र सिंह भाटी जी, डॉक्टर संपत सिंह देवराला जी, कुलदीप सिंह भाटी जी, श्री हेमंत सिंह भाटी जी, अभिषेक सिंह भाटी जी, श्री हनुमान सिंह, श्री दीपेंद्र सिंह राठौड़, श्री दिलीप सिंह, श्री कुलदीप सिंह राठौड़ बोल दिया भाई, देवी सिंह भाटी जी, श्री रमेश चंद्र वर्मा जी, श्री मुकेश वर्मा जी, श्री रामचरण जी, श्री पूरण जी, श्री हेमराज कुमावत जी, आप सभी को पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे झोटवाड़ा के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राज्यवर्धन राठौड़ जी आपको दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, आदरणीय नारायण पंचारिया जी आपका बोला तो था मेरे नाम आप गए नहीं, अच्छा छूट गया वोट बोल तो दिया मैंने राजपूत आरक्षण के अब आए बोल दिया तो एक बार और। श्री संपत सिंह शेखावत जी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं राजपूत आरक्षण मंच के, आप भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने के लिए पधारे मंच पे, से पना रहे हैं। हमारी मेयर साहिबा
सोम्या गुजर जी भी हमारे बीच में पधारी हैं। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, आपका स्वागत अभिनंदन होना रह गया था, उनको भी आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि जो लोग मंच पे हैं उनके साथ एक ग्रुप फोटो आपका हो जाए। छवि राजा जी आप थोड़ा आगे चले जाइए। माधुरी जी वैसा